हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। कुकिंग विद शिप्रा में आपका स्वागत है। आज की मेरी रेसिपी है टी टाइम स्नैक्स। एक मैं नमकीन की रेसिपी लेके आई हूँ जो हम बहुत कम तेल में और बहुत कम टाइम में घर पे ही बना सकते हैं, और चाय के साथ ये बहुत अच्छी लगती है। वो मैं बनाऊँगी आज मुरमुरे और चिवड़ा इन दोनों के साथ। तो मैंने यहाँ पे मुरमुरा, चिवड़ा, थोड़े से मखाने, कुछ ड्राई फ्रूट्स, हरी मिर्च, आप चाहे आप इसमें कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं। मेरे पास कड़ी पत्ता नहीं है तो मैं कड़ी पत्ता नहीं डाल रही। और कुछ बेसिक्स मसाले, मसाले में हमने ले लिया है सादा नमक, हल्दी पाउडर, चाट मसाला, चिली पाउडर। और क्योंकि मैं ये खट्टा मीठा नमकीन बना रही हूँ, सॉल्टी और थोड़ा सा स्वीट है, तो मैं इसमें डालूंगी शुगर का पाउडर। तो चलिए इसकी कुकिंग की तैयारी करते हैं। कुकिंग के लिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और हम सबसे पहले इसमें मुरमुरे को ड्राई रोस्ट कर लेंगे, क्योंकि बरसात का मौसम है ये थोड़े से नरम पड़ जाते हैं। तो हम इसको पहले ऐसे ही बिना ऑयल के इसको थोड़ा सा सेक लेंगे। ये थोड़े से नरम हो गए हैं तो हम पहले इसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे, ताकि थोड़े ये क्रिस्पी हो जाए। ये थोड़े रोस्ट हो चुके हैं, अब इसी के ऊपर मैं पोहे भी डाल दूंगी, उसको भी हम रोस्ट कर लेंगे। दोनों को साथ में ड्राई रोस्ट कर लेंगे, थोड़ा इस तरह से इसको रोस्ट कर लेंगे। बीच में हम इसको एक बार चेक करके देख लेंगे ये क्रिस्पी हुए कि नहीं। ये रोस्ट हो गए हैं तो मैं इनको पहले अब बाहर निकाल लूंगी। मुरमुरे को मैंने बाहर निकाल लिया है और कढ़ाई में मैंने एक चम्मच तेल डाल दिया है। आप देख सकते हैं मैंने बहुत कम तेल डाला है। ऑयल गर्म हो गया, अब हम इसमें सेक लेंगे ये थोड़े मखाने। इसको हम इसमें सेक लेंगे। मखाने के साथ ही मैं इसमें थोड़ी हरी मिर्ची भी सेक लूंगी। कड़ी पत्ता मेरे पास नहीं है, नहीं तो आप इसमें कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं। मखाने और हरी मिर्ची सिक गई है, अब इसमें मैं सेक लूंगी थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। इसको भी थोड़ा सेक लेंगे। अब हम ऊपर से डाल देंगे इसमें थोड़े मसाले। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, सादा नमक और थोड़ा चाट मसाला। इसको थोड़ा भून लेते हैं। ऑयल हमने सिर्फ वही एक चम्मच डाला है, ऑयल बिल्कुल नहीं डालेंगे। मसाले को थोड़ा सा मिला देंगे अच्छे से। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाला है, इसको थोड़ा सा भून लेंगे। और अब हम जो हमने जो मुरमुरे सेक के रखे थे वो इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से मिला देंगे। गैस की फ्लेम को धीरे ही रखेंगे। सारे मसाले मैंने इसमें अच्छे से मिला दिया है। अब इसको थोड़ा सा मीठा करने के लिए इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा शक्कर का पाउडर, पिसी हुई चीनी, और फिर इसको अच्छे से मिला देंगे। ताकि सारी चारों तरफ शक्कर अच्छे से मिल जाए। सारी चीज़ों को मैंने मिला दिया है और ये हमारी चटपटी नमकीन बनके तैयार है। गैस की फ्लेम को मैं बंद कर दूंगी। फ्रेंड्स, चटपटी नमकीन बनके तैयार है। बहुत कम ऑयल में बनाया है और हेल्दी नमकीन है। रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ।